ये देखिए, ये कड़म हमने जो यहाँ पे लगाया हुआ है, और इस कड़म को अभी हम उखाड़ेंगे। ठीक है, इसको उखाड़ के हमने, देखिए मैंने यहाँ पे कड़म उखाड़ के रखा है, ये देखिए ढेर के ढेर। ये कड़म जो है अचार बनाने के काम में आएगा। तो ये हमारा मतलब त्यौहार ही होता है भदरवाह का, यहाँ का फेमस कड़म होता है, जिसकी हम फिर इसको करने के बाद इसको हम इसकी ये जो जड़ें हैं तो इसको तोड़ेंगे अच्छे से, फिर इसको तोड़ तोड़ के ऐसे साइड पे रखेंगे। उसके बाद इसको साफ़ किया जाएगा, इसका एक एक पत्ता देखा जाएगा कि कहीं इसमें कोई कीड़ा शीड़ा तो नहीं है। जब इसको तोड़ के इसको काट के अच्छे से साफ़ करके इसको उबाला जाएगा। ये मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी कि कैसे कड़म का अचार बनता है। और ये हमारे भदरों में एक त्यौहार की तरह होता है कि हर घर में कड़म का अचार बनता है, जो साल भर रहता है हमारी रसोई घर में। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। अभी हमने देखी ये अचार के लिए जो है कड़म, ये काट के रखा है छोटा छोटा। तो यहाँ जला दी है हमने आग, और यहाँ चढ़ाया है हमने बहुत बड़ी कढ़ाई, और इसमें इसको बॉयल करेंगे कड़म को, इसमें इसको डालेंगे तो बॉयल करेंगे। ये देखिए अभी पत्ते डाल दिए हैं और पत्ते बॉयल हो रहे हैं, और इसके बाद और पत्ते डालेंगे। फिर उसके बाद ये जो नीचे से इसकी जड़ें होती हैं कड़म की, वो डालेंगे, जिसे हम अपनी भाषा में ढिक बोलते हैं। तो इसको फिर बॉयल करेंगे। ये देखिए अभी इसको इसमें ये कड़म डाला है, क्योंकि पत्ते और कड़म अलग अलग हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पत्ते को थोड़ा कम मतलब बॉयल करना होता है, और इसको थोड़ा थोड़ा मतलब गलने देना चाहिए, थोड़ा सा नरम हो जाए ये। तो फिर उसके बाद इसको कपड़े में पैक करेंगे, जैसे इस प्रकार से देखिए इसमें पैक करके रखा है, और ऊपर से वेट डाला है इसके पत्थर, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए, और उसके बाद इसको मतलब सुखाने के लिए छोड़ा जाएगा कल धूप में। अभी हमने डाल दिया है कड़म को धूप में, ये देखिए, क्योंकि ये सुखाना है अच्छे से, ये पत्ते को भी अच्छे से सुखाना है। रात भर हमने इसको प्रेस करके रखा हुआ था, और अभी डालेंगे धूप में, ताकि इसका जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। चाहे एक धूप में रखो या दो दिन धूप में रखो इसको, ताकि अच्छे से ये सूख जाए। उसके बाद इसको इसमें मसाला मिक्स करेंगे। दिन के इसको एक दो बार इसको पलटा देना पड़ता है, क्योंकि अब लगभग सूखने पे तो आ गया है, ये सूख गया है, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर रहता है ना, ये पत्ते में जो मॉइस्चर रहता है, इसको सुखाना पड़ता है। इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए, और ये अच्छे से जब सूख जाए। ये देखिए अब सूख ही गया है लगभग, अब इसको देखना है कैसे सूखता है। ये देखिए अब इसमें से कोई पानी नहीं निकलेगा जब, तो अभी तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। अभी शाम तक धूप है, और जैसे ही धूप भी ख़त्म हो जाएगी तो ये सूख जाएगा, और फिर शाम को इसको हम मिक्स करेंगे। सारा दिन कड़म सुखा लिए। ये देखिए मसाले हमने तैयार कर लिए हैं, ये है सौंठ, पीसी हुई सौंठ, ये है अजवाइन, ये है क्या कहते हैं मेथी, और इसमें है ज़ीरा, पीसा हुआ ज़ीरा आप देख सकते हो, इसमें है अवरी या सरसों पीसा हुआ, कुछ भी डाल सकते हो आप, और इसमें है लौंग और मोटी इलायची पीसे हुए, हल्दी, नमक, देखिए ये आया हमारा नमक, ये हमारा पी मार्गा का तेल, क्योंकि दूसरा तेल हम यूज़ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि उसमें थोड़ी मिलावट होती है, लेकिन यही शुद्ध तेल मिलाया जाता है। और अब मैंने टब में देखिए डाल दिया है कड़म डाल दिया है, दोनों कड़म मिक्स करके कड़म मतलब इंग्लिश में इसे नोल खोल बोलते हैं। तो इसको डाल दिया है, अब ऊपर से डाल देंगे हम सारे मसाले इसमें, और फिर इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें अब डालूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर, और ये देसी मिर्चें पीसी हुई हैं, ये भी डालती हूँ। ये तो आप मिर्चें आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो, जितना मतलब आपको आप खाना चाहो मिर्चें। तो ये देखिए मैं इतनी सी डालूंगी, क्योंकि अचार थोड़ा तेज़ मिर्च वाला होना चाहिए। अब हो गई, अब डालेंगे हम हल्दी, ये देखिए अब हल्दी डालेंगे, तो
हल्दी भी काफ़ी है। ये डालेंगे अब हम मेथी दाना, ये पिसा हुआ मेथी दाना नहीं डाला, मेथी दाना डालूंगी अब मैं इसमें, ठीक है। तो अब डालूंगी ये पिसा हुआ सरसों या अवधी, ये देखिए पिसा हुआ सरसों, ठीक है। सारा मसाला जो है अब डालेंगे इसमें हम नमक, नमक। अब देखिए ये अगर ये 20 किलो अचार है तो 1 kg नमक ने, हाँ 1 kg तो लगेगा ही लगभग, लेकिन थोड़ा कम डालेंगे इसमें हम, 1 kg पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा देख के ही डालेंगे, ठीक है। अब डालेंगे इसमें तेल, तो अब डालते हैं हम इसमें तेल। 20 kg अचार है तो लगभग 2 kg तेल तो पड़ेगा इसमें, ये देखिए हमने डाल दिया है तेल। अब करेंगे हम अच्छे से इसको मिक्स जी। अब हम ये डब्बा जो है ना फुल करेंगे, और ये फुल करेंगे सख्त करके, बिल्कुल दबा दबा के, ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए, इसका तेल जो है ऊपर आ जाए और जल्दी से बन जाए ये अचार। ऐसे ही ये डब्बे फिल करेंगे हम। अचार डब्बों में भर चुका है और लगभग तैयार हो चुका है, तो अब शाम तक इसको धूप में रखना है, जब तक इसका ये जो तेल है ना, ये नीचे से ये तेल जो है इसका ऊपर ना आ जाएगा, उबल के इसको धूप में रखना है, उबल के जब ऊपर आ जाएगा तो तब हम समझेंगे कि ये अचार बन गया है। तो एक दिन धूप में रखने के बाद ये ऊपर तक आ जाएगा तेल, और हमारा अचार खाने के लिए तैयार। 2-3 दिन के बाद आप इसको खा सकते हो।